मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने रूल्स डिस्कस किए थे, रूल्स टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो उसके बाद हमने चार पांच रूल डिस्कस किए थे भी, अगर फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो तो कैसे सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्री हो तो कैसे सॉल्व करना है, अगर एलजेब्रिक आ जाए दैट इज़ एक्स स्क्र एक्स क्यूब आए तो कैसे करना है, फिर उसके बाद अगर दो फंक्शन इकट्ठे आ जाएँ तो कैसे करना है। अब उसने सिंपल कहा फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, अगर वो वर्ड लिखता ना सॉल्व, इट मीन्स हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना पड़ता और पर्टिकुलर इंटीगल भी, पर उसने स्पेसिफाई कर दिया हमें चाहिए क्या, पर्टिकुलर इंटीगल। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब पर्टिकुलर इंटीगल सीधा इस इक्वेशन की फॉर्म में तो निकलेगा नहीं, पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। जो उन्होंने हमें इक्वेशन दी वो लिख लो, सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आएंगे। वाई कॉमन निकल आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए, कंडीशन क्या थी, वन अपॉन एफ डी टू एक्स, एफ डी का मतलब सिर्फ ये वाला फंक्शन। फाइव तो हमारा नंबर है, इसको जी आगे ले लो पहले। यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, ई रेस टू पावर एक्स है ये, क्या था हमारी कंडीशन, डी इज इक्वल टू ए। तो ई रेस टू पावर क्या है, एक्स, एक्स मतलब ये क्या है, ए रेस टू पावर वन एक्स, तो डी की जगह क्या अप्लाई करेंगे, वन। क्या बन जाएगा, वन, फाइव बाय टू ई रेस टू पावर एक्स। ये क्या है इस इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इस तरह एक सेकेंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें केस फेल हो जाए तो कैसे करेंगे। उसने कहा फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वेयर प्लस फोर वाई इंटू ई रेस टू पावर टू एक्स। यही है इक्वेशन है, डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वेयर प्लस वाई ई रेस टू पावर टू एक्स। सोल्यूशन करते हैं, अब यहाँ पे उन्होंने हमारा थोड़ा सा काम कम कर दिया, सिंबॉलिक फॉर्म में ऑलरेडी दे दिया, पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज़ वन अपॉन एफ डी, सिर्फ ये फंक्शन, डी क्यूब माइनस थ्री डी स्क्वेयर प्लस फोर ई रेज टू पावर टू एक्स। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए बताया था मैंने डी इक्वल टू ए, ए मतलब ये जो वैल्यू है, यहाँ पे क्या है, अब टू लेंगे, डिनोमिनेटर में जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ क्या अप्लाई कर देंगे, टू। टू का क्यूब एट, फोर और थ्री जार ट्वेल्व, एट प्लस फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व ये क्या बन गया भाई, ज़ीरो। मैंने कहा था अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो बन जाएगा तो केस फेल, केस फेल तो सोल्यूशन तो हमें चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाइड द न्यूमिनेटर, किससे बताया था मैंने, एक्स, एंड डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू डी। करिए इस इक्वेशन में ऊपर क्या जाएगा, एक्स, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डी क्यूब क्या बन जाएगा आपका, थ्री डी स्क्वेयर, थ्री डी स्क्वेयर का सिक्स डी, फोर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, ज़ीरो ई रेज टू पावर टू एक्स। आप फिर से सॉल्व करिए, डी इज इक्वल टू ए, टू अप्लाई करो, स्क्वायर फोर ट्वेल्व, ये तो फिर से क्या बन गया आपका, ज़ीरो। इट मीन्स अगेन केस फेल,
अगेन केस फेल, तो फिर से वही, वी मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर बाय एक्स एंड डिफ्रेंशिएट द डिनोमिनेटर बाय डी, क्या बन जाएगा, एक एक्स ऑलरेडी है यहाँ पे, इसका करना है डेरिवेटिव हमने, याद रखना, क्योंकि इस इक्वेशन का हम एक बार कर चुके हैं, इसमें हमने वैल्यू अप्लाई की तो रिजल्ट ज़ीरो बना। अब यहाँ पे फिर से इसका 3d² का क्या बन जाएगा भाई, 6d, और 6d का 6, ए रेज टू पावर 2x अप्लाई करिए, टू का स्केयर 4, यहाँ पे स्केयर नहीं ना आएगा, हाँ क्योंकि 3d का स्केयर हो गया ना 60, दैट इज 12 माइनस 6 एक्स स्केयर बाय 6 इंटू ए रेज टू पावर 2x, तो ये हमारा रिजल्ट। तो इस तरह करना है अगर आपका केस अगेन बाय अगेन फेल हो जाए तो। क्लियर? अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।